संजय जी, बड़ी बड़ी बातें की गई थी, दिल्ली को ये बना देंगे वो बना देंगे, लेकिन फिलहाल तो दिल्ली दरिया बनी हुई है। जगह जगह सीवर और नाले भर चुके हैं, गड्ढे भरे पड़े हैं, जिससे हादसे पे हादसे हो रहे हैं और कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। बिल्कुल, दावे किए गए थे उसे पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। जनता ने अभी जिम्मेदारी दी है जी। निगम की जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी के सर पे है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो 25 वर्षों से वहाँ बैठी हुई थी, उनसे पूछना चाहिए जनता को कि आपने 25 वर्षों में दिल्ली के हालात इस तरह से क्यों कर दिए। दो साल से एमसीडी में है, उनसे ना पूछे कुछ भी। दो वर्ष से आपने एमसीडी जनता ने दिया और जिसका नतीजा ये हुआ कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, दिल्ली का शिक्षा मंत्री, दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री, सारे मंत्रियों को उठाकर आपने जेल में बंद कर दिया। यानी जनता ने जो मैंडेट दिया आपने उसे चैलेंज किया। शैली ओबेरॉय तो बाहर है ना? शैली ओबेरॉय अपना काम कर रही है। काम कर रही होती तो इतने हादसे कैसे होते? नहीं, आपको आपको बेहतर मालूम है, आपको जनता को आपको बताना चाहिए। मेरे बात पे शायद जनता को भरोसा हो या ना हो, लेकिन आपके बातों पे भरोसा होगा। आपको बताना चाहिए कि एलजी के माध्यम से किस तरह से दिल्ली सरकार को पंगु बनाया गया है। आपके दोनों दिल्ली सरकार नाम का है, मुख्यमंत्री जेल के अंदर बंद हैं, इनकी तानाशाही का नतीजा है। आपको काम नहीं करने दिया जाएगा, आप मुख्यमंत्री को त्यागपत्र दे दीजिए। देखिए, आपके सामने दो दिन पहले बेल हुआ है, कोर्ट को मजबूरन बेल देना पड़ा क्योंकि आप ट्रायल तक नहीं जा रहे हैं। ईडी के पास कोई साक्ष्य नहीं है, विदाउट साक्ष्य आप उठा के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों को उठा के जेल में बंद करेंगे क्योंकि आपको विपक्ष को ख़त्म करना है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि काम बहुत हुए हैं दिल्ली के अंदर। काम करने के जो इनके तरीके हैं वो लोगों को दिखे हैं। इन्होंने शिक्षा में क्रांति लेकर के आए, इन्होंने शिक्षा पे काम किया, स्वास्थ्य पे काम किया, महिलाओं के लिए काम किया, ट्रांसपोर्ट पे काम किया, लेकिन आप काम करने नहीं दे रहे हैं। आप फंड भी रिलीज नहीं करेंगे, आप हर जगह अड़ंगा भी लगाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये थोड़ी सी दुर्भाग्यपूर्ण है और जनता को इसको देखना चाहिए। संजय जी, सर्वेश जी के पास मैं जाऊंगी। सर्वेश जी, क्या वाकई यही वजह है कि दिल्ली सरकार लगातार काम कर रही थी और एमसीडी भी काम कर रही थी, इसीलिए उसे पंगू बना दिया गया है बीजेपी के द्वारा? देखिए, बीजेपी अगर सत्ता में रहती एमसीडी में तो हम कहते कि ये बीजेपी की जिम्मेदारी बनती है, जैसा कि आज से दो साल पहले कहा जा रहा था, क्योंकि दिल्ली की सत्ता में केजरीवाल जी विराजमान थे और एमसीडी बीजेपी के पास थी। तो केजरीवाल जी का बहाना क्या होता था? भैया, एमसीडी हमारे पास नहीं है, हम काम करें तो कैसे करें। अब आपके पास एक साल नहीं, दो साल हो चुके हैं, 10 साल यहाँ की सत्ता में, दिल्ली की सत्ता में, और 2 साल एमसीडी में, फिर आपका वही पुराना राग अलापना। अगर अच्छा काम करना है तो जिम्मेदारी और जो उसका श्रेय है अपने सर पे ले लो, और अगर कुछ घटना घटती है, आप देखिए, करंट लगने से कोई क्रिकेट खेल रहा है बच्चा, उसकी मौत होती है। रोहिणी के पार्क में बच्चा खेलने जाता है, 7 साल का बच्चा डूब के मर जाता है। आप अगर जिम्मेदारी नहीं ले सकते तो आप छोड़ दो ना, दिल्ली के कमान दे दो, कह दो कि यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दे, उसके बाद देखिए एमसीडी भी अपना काम करती है। आपने वादा किया था दिल्ली की जनता को कि आप हमें एमसीडी देख लीजिए, दिल्ली को लंदन बना देंगे, ये कूड़े का जो पहाड़ है वो खत्म हो जाएगा। 2 साल हो गए, 2 साल में उस पहाड़ कितना इंच खत्म हुआ, संजय जी से पूछ लीजिए। बिल्कुल, सवाल सबसे बड़ा यही है, कितने नए कॉलेज। बिल्कुल, उसके बाद जो ये जल भराव है, देखिए बारिश के समय में ऑल ओवर वर्ल्ड जल भराव होता है, लेकिन ये जो हादसे होते हैं ऐसे नहीं हो रहे हैं कोई दूसरे राज्यों में। आप मुझे बता दीजिए कि राजस्थान में भी बीजेपी है, यूपी में भी है, वहां भी करंट रख के कोई मर गया जल भराव के कारण, कोई डूब के बच्चा मर जा। सवाल खड़े होंगे, जल भराव तो बहुत तनु कॉमन समस्या हो ही चुकी है। इसके अलावा अगर हम गौर फरमाएं, जल भराव की समस्या, सीवर की समस्या, ट्रैफिक की समस्या दिल्ली में, खास करके दिल्ली में कूड़े की समस्या हर जगह, आप जहां जाएंगे आपको कूड़े के बड़े बड़े ढेर नजर आ जाएंगे, उसकी समस्या क्या एमसीडी के जो काम करने वाले कर्मचारी अपने घर पर पैर पसार कर बैठ गए हैं और चाय पकौड़े का लुत्फ उठा रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि मॉनसून पहली बार नहीं आया, बारिश पहली बार नहीं है, हर साल बारिश होती है, तो जरूरत क्या है? राजनीतिक दल आपस में पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन राजनीतिक दलों को ये समझने की जरूरत है कि देश की जनता जब जिस सड़क से गुजरती है उससे हजारों लोग गुजर सकते हैं, तो वो जमीन पर देख सकते हैं, लेकिन जब आप रोजगार देते हैं तो हर इंसान जाके देख नहीं सकता कि रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो देश की जनता सड़कों पर आज देख पा रही है कि किस तरीके से जल भराव हो रहा है, और मुझे लगता है कि केजरीवाल जी ने जो वादे किए थे उन वादों पर उनको थोड़ा और अमल करने की जरूरत है, और उनके बड़े बड़े नेता भी अंदर हैं, तो मुझे लगता है कि शायद उनके बाहर आने के बाद वो इस पर बेहतर देख पाएंगे। लेकिन सवाल बीजेपी पर भी उठना चाहिए, बात सिर्फ हम दिल्ली की ही क्यों करें, आप बात हरियाणा की कीजिए, आप बात राजस्थान की कीजिए, सारे राज्यों में
में पानी भरा है, तो क्या डबल इंजन की जहाँ पर सरकार मैं बताना चाहूंगी अपना एक्सपीरियंस। में अभी हाल फिलहाल में लखनऊ में रहकर आ रही हूँ और 4 से 5 दिन में वहां पर मुझे सड़कों पर कूड़ा नजर नहीं आया। 100 बात की एक बार कूड़ा नजर नहीं आया का मतलब नहीं नजर आया, पानी भरा हुआ कहीं नजर नहीं आया, वहां पर भी रात रात भर बारिश हो रही है। मतलब कुछ तो इंतजाम है ना, वो दिल्ली में क्यों नहीं? सवाल तो ये है कि दिल्ली में वो इंतजाम क्यों नहीं हो पाए। लेकिन अभी आपने कहा आप लखनऊ के, मैं हरियाणा से आती हूँ, आप आइए हरियाणा से, वहां पर भी बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है, वहां पर सड़कें खराब है, वहां पे तो आप रह नहीं सकते। मतलब दिल्ली में तो फिर भी पानी भरता है, वहां तो सीवर का पानी बिना बारिश के फ्लो करता है। दिल्ली में भी ऐसा हो रहा है तो सवाल तो मेरे को समझ ये नहीं आता कि कौन जिम्मेदारी लेगा। बीजेपी जिम्मेदारी लेगी, आम आदमी पार्टी जिम्मेदारी लेगी, किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि आरोप से कुछ नहीं होने वाला देश की जनता का। हर साल बारिश होती है तो उनको पहचानने की जरूरत है कि कहाँ पे पानी भरता है, क्यों पानी भरता है और कैसे इसको ठीक किया जाए। ठीक है, ठीक है अनुराग जी मुझे ये समझना है कि जब दिल्ली की सरकार एक तरह से विफल नजर आ रही है, वो चाहे बच्चों को डूबने से बचाना हो, जिस तरह से हमने देखा वो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला हादसा, बच्चे डूब के मर गए का एक कैजुअलिटीज हुई, या फिर सीवर की समस्या से लोगों को बचाना हो, नाले में लोगों को गिरने से बचाना हो, या फिर गड्ढों में बच्चों को गिरने से बचाना हो, किसी भी प्रकार से बचा तो पानी रहे, तो क्या केंद्र को दखल नहीं देना चाहिए कि भैया हम देख रहे हैं तुमसे नहीं संभल पा रहा है, अब तो हमें दखल देना ही पड़ेगा। देखिए सबसे पहले तो मैं एक 11 जनवरी का हाईकोर्ट का एक ऑर्डर था वो कोट करना चाहूंगा। हाईकोर्ट ने 11 जनवरी 2024 को एक बात कही थी कि दिल्ली सरकार की जो व्यवस्था है जल भराव को लेकर वो बहुत दयनीय है। आज से 6-7 महीने पहले वो बात कही गई थी और हाईकोर्ट ने ये कहा था कि आप इसके ऊपर एक्शन लीजिए नहीं तो दिल्ली की स्थिति खराब हो जाएगी। अब 6 महीने पहले जो बात कही गई थी, क्या दिल्ली सरकार को ये चीज़ समझ में नहीं आई? दिल्ली सरकार ने 6 महीने में क्या किया है आज तक किसी को पता नहीं है, ना किसी को बताया गया है। हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल जेल में हो, लेकिन जेल से निकलने के बाद तो चुनाव में लग गए, उन्होंने तो ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसके बाद तो बरसात आने वाली थी, उसके बाद मानसून आने वाला था। सिर्फ अरविंद केजरीवाल जेल में है, चले ठीक है अरविंद केजरीवाल जेल में है उसको भी छोड़ दे, हालांकि उन्होंने जाते टाइम ये कहा था कि जेल से इस्तीफा इसलिए नहीं दे रहा हूँ, सुचारू रूप से काम चलता रहेगा, फिर भी हम मान लेते हैं कि वो जेल में है, बाकी तो पूरी सरकार उनकी बाहर है, उनकी पत्नी देवी जो रैलीस कर सकती है वो भी तो बाहर है, MCD बाहर है, मेयर बाहर है, सब कोई तो बाहर है। वही कहना चाहता हूँ कि वो जेल से बाहर निकले तो चुनाव के अलावा कोई काम नहीं किया उन्होंने। अब एक बात समझना होगा कि दिल्ली में जो भी लोग आते हैं, यहाँ करीब 2-2.5 करोड़ की जनसंख्या है, वो गाँव से आती है शहरों में, उनका मेन मोटिव होता है कि यहाँ अच्छी सुविधा मिले, यहाँ अच्छी सड़क मिले, यहाँ अच्छा जीवन मिले। लेकिन यहाँ तो लोगों को नाली में डूब के मरते हुए देख रहे हैं, यहाँ लोगों को देख रहे हैं कि जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, जो अच्छे रोजगार के लिए आ रहे हैं, वो मर जा रहे हैं, तो कहाँ से स्थिति ठीक है? मुझे लग रहा है कि आज के समय में ऐसी स्थिति है कि दिल्ली सरकार बहुत फोकस डेवलपमेंट पे बिल्कुल नहीं कर रही है, उनका फोकस है कि राजनीति किया जाए और केंद्र सरकार पे आरोप लगाया जाए। एक चीज़ समझिए, पिछला साल अगर हम लोग याद करें तो बेंगलोर में बाढ़ की स्थिति हुई थी, आज इस साल हम लोग बेंगलोर में कोई स्थिति खराब नहीं देख रहे, बॉम्बे में इससे ज्यादा बारिश होती है, बॉम्बे में स्थिति खराब नहीं है, बिल्कुल आप देखिए कि चेन्नई में इससे ज्यादा बारिश होती है, चेन्नई में स्थिति खराब नहीं है, तो केवल दिल्ली में क्यों खराब है? और बिल्कुल उसको कारण पता है तो उसको सुधारना जरूरी है। बिल्कुल जाहिर तौर पर एक सेकंड आ रही हूँ आपके पास सर्वेशी, रवि अरोड़ा जी क्या ये समझा जाए कि दिल्ली की सरकार सत्ता के मोह में, सत्ता के लाभ में, सत्ता की आस में पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो चुकी है कि दिल्ली पर काम करना है वो ये भूल ही गए हैं, बस दिल्ली को जीतना है ये याद रखना है। देखिए सभी को अथॉरिटीज चाहिए, चाहे दिल्ली की सरकार की बात करें, चाहे LG साहब की बात करें, लेकिन दिल्ली की सुनने वाला कोई नहीं है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, खुद LG साहब ने माना है कि 50% कॉलोनियां अनियोजित हैं, मतलब यह है क्योंकि जो ड्रेनेज सिस्टम है दिल्ली का वो ब्रिटिश काल का है, उसको अभी तक सही नहीं किया गया, और कितने नाले PWD के, EDMC के, MCD के निकलते हैं उनको देखिए। अगर सीवर और ड्रेनेज का जो खर्चा किया जाता है हर साल, उसका अगर ऑडिट हो जाए तो सारी बात खुल के सामने आ जाएगी, सारे आंकड़े खुल के सामने आ जाएंगे। इतना पैसा खर्च करने के बावजूद पैसा बराबर खर्च हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम वहीं की वहीं बनी हुई है। 2 साल हो गए आम आदमी पार्टी के पास, बड़े बड़े दावे किए गए थे दिल्ली की जनता ने विश्वास पे उनको सत्ता में लेके आए, लेकिन अब जब जवाबदेही की बात आती है तो वो कहते हैं ये जवाबदेही, क्योंकि देखिए देश की राजधानी, नील बटा सन्नाटा, कोई जवाब नहीं होता। देश की राजधानी है ये, जहाँ पे भारत की सुप्रीम कोर्ट है, भारत की संसद है, सभी केंद्रीय मंत्री यहाँ पे आते हैं, और वहाँ पर अगर आप हाल देखिए, और बात छोड़िए वहाँ की, दिल्ली का दिल कहे जाने वाले जहाँ खड़े हैं, कनाट
प्लेस, लुटियन जोन चले जाइए, कनॉट प्लेस चले जाइए, खान मार्केट चले जाइए, दुकानों के अंदर पानी भरा है, पानी भरा हाल है कि दुकानें बंद करनी पड़ रही है, दुकानें बंद करनी पड़ रही है। बेहद शर्मनाक है, सोचने वाली बात है। आज तक ऐसा देखिए नहीं, सुनिए जिस लुटियन जोन की आपने बात की है, एनडीएमसी कौन देखता है? सुनिए, फिर भाष होगी, फिर बेकार। जनता को मैं सुन रहा हूँ, एनडीएमसी कौन देखता है? दिल्ली सरकार देखती है, केंद्र सरकार देखती है, बताइए एनडीएमसी कौन देखता है? ये मतलब गलत बात है। आप बताए, आप पत्रकार है तो आप बताइए, एनडीएमसी किसके अंदर आता है? एनडीएमसी किसके अंदर आता है? रवि जी, इस बात को स्वीकारना होगा कि दिल्ली के कुछ इलाके एनडीएमसी के भी भीतर आते हैं और उस पर भी जवाबदेही बनती है। जी मैं पहले ही ये बात कह चुका हूँ कि राजनीतिक आपको द्वेष दूर करने होंगे और सभी पार्टियों को मिलकर, क्योंकि देश की राजधानी पिस रही है दिल्ली की जनता। ये बात मैं पहले कह चुका हूँ, लेकिन जवाबदेही फिलहाल केजरीवाल जी की बनती है, क्योंकि ज्यादा एलजी साहब ने खुद कहा है कि 50% केजरीवाल 50% धरती ऐसी है दिल्ली की जो पानी को नहीं पी सकती।